झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बना प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी दिल्ली या नेपाल से हुई है, अधिकारी इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। झारखंड पुलिस और एनआईए की संयुक्त टीम ने दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने पीएलएफआई सुप्रीमो की गिरफ्तार की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दिनेश गोप गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी को नेपाल से दिल्ली लाया गया है, यहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर झारखंड लाया जाएगा। उससे गुप्त ठिकाने पर पूछताछ की जा रही है। दिनेश गोप की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि पीएलएफआई सुप्रीमो की गिरफ्तारी से उसके संगठन का वजूद खत्म हो जाएगा। ये प्रतिबंधित संगठन पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। पीएलएफआई के लोगों की छोटे मोटे कांडों में जेल जाने वाले अपराधियों पर नजर रहती थी। उनके जेल से निकलते ही उन्हें संगठन से जोड़ने की कोशिश की जाती थी, फिर उनके हाथ में हथियार ना जुर्म की दुनिया में धकेल दिया जाता था। बता दें कि झारखंड पुलिस ने दिनेश गोप के ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। इसके अलावा एनआईए ने भी दिनेश गोप पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।